हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है क्लास्ट में कुछ बाकी जो रह गया है उसी में अभी हम लोग दो तीन पॉइंट और हम लोग लिखेंगे और उसके बाद से उसका फिगर बना करके और उसका फंक्शन हम लोग लिखेंगे। तो कल जो हम लोग लिखे थे उसके आगे हम लिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में ही कि क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है करता है या क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे? तो क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो यही लिखना है, उसके आगे लिखना है कि इसी में किसो क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल्स। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ये भी जो है क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और इसका भी अपना जीनेटिक मटेरियल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के चलते होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसके दो रीजन होते हैं, इट शोज टू डिस्टिंक्ट रीजन। एक में कहते हैं ग्राना और दो में कहते हैं स्ट्रोमा। ये हो गया ग्राना और दूसरा हो गया स्ट्रोमा। ग्राना ग्राना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है, अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है ये हायर क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है। तो यहाँ पर भी बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, इसे अब यहाँ पर जो देखिए एक रड लाइक स्ट्रक्चर इसे इसे जुड़े रहता है इसे, और यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है इस तरह से। और ये जो है ये गराना हो गया इस तरीके से,
इस तरह से। और ये ग्राना हो गया, ग्राना के अंदर ही जो है स्ट्रोमा होता है और इसी में इसका जो जीनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और राइबोसोम्स वो मौजूद रहते हैं। इसी में इस तरह से होता है, ये जो है जीनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन लिखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये जो है ग्राना हो गया, ये जो साइट है सब, ये सब, ये जो है ग्राना हो गया। इसको जो ये रड लाइक जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग लेमला कहते हैं, ये लेमला हो गया। और ये स्ट्रक्चर जो होता है ये वाला, इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा हो गया। और ये जो हो गया ये डीएनए हो गया, सर्कुलर डीएनए हो गया। और यहाँ पर राइबोसोम्स लिख दिए, राइबोसोम्स जैसे हो गया। तो ये ही स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको क्लोरोप्लास्ट का होता है। अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, यही फंक्शन, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया। और अब जो है केवल इसका और फंक्शन हम लोग को पढ़ना है कि फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट, अब तीनों का फंक्शन होता है ना, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और लीकोप्लास्ट हो गया। तो वो तीनों का फंक्शन जो है, जो पहले हम बोले थे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फूलों के जो फ्लावर के जो मैंने कलर है, फ्रूट के जो कलर है उसको शो करता है, और लीकोप्लास्ट जो होता है वो फूड स्टोरेज का काम करता है। तो वही अब हम लोग को लिख देना है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शंस में सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का देखिए, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी, ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट, फॉर द प्लांट, ये हो गया। अब दूसरा कहता है क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स इंपार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और लास्ट में ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये क्या करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स।